साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र लगेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडररूट 1 - y² प्लस वाई अंडररूट 1 - x². साइन इनवर्स एक्स अंडररूट 1 - y² प्लस वाई अंडररूट 1 - x² ये हो गया। ए जो है एक साथ कॉस साइन इनवर्स, यहां देखिए 3/5 और 1 ऋण 5/13 का वर्ग है तो 12/13 हो जाएगी प्लस 5/13 और 1 ऋण 3/5 का वर्ग हो जाएगा 4/5। हर बच्चे 1 ऋण 3/5 का वर्ग हो जाएगा 4/5 और 1 ऋण 5/13 का वर्ग हो जाएगा 12/13। साल भी कर सकते तो कॉस साइन इनवर्स बढ़ती आई 36/62 प्लस 5/20/63 कॉस साइन इनवर्स 36 और 20 56/62 36/62 - 1 - y² + y / 1 - x² + 1 - 6² + 1 - 36 2 ऋण 5/13 का वर्ग हो जाएगा 139 25 के 12/13 और यहाँ 1 ऋण 9/25 16/25 4/5 बढ़ती है 36/65 अभी साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स काम बन जाए आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 56/65 का वर्ग। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स अंडररूट 1 - x² तो कॉस इनवर्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स तो केवल मिलेगा 1 - 56/65। क्या करेंगे हम लोग इसको, 65 का वर्ग - 56 का वर्ग - 65 का वर्ग 65 + 56 और 65 - 56/65 तो आएगा अंडर रूट 121 6 5 11 6 11 12 और 15 - 6 9/65 का 121 का 11 होगा 9 का 3/65 33/65 आपका आंसर होगा। प्लस साइन वर्स वाई का सूत्र लगा दीजिए आप, फिर लास्ट में आप साइन वर्स को कॉस में बदल ही देंगे, हो गया सेट। साइन इनवर्स 3/5 ऋण कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 63/65। अब देखिए आपको जवाब कॉस इनवर्स में देना है तो ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में बदल देंगे जिससे हम कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र लगा सकते। हम राइट हैंड साइड के अनुसार ही चलते हैं, यहां अभी यही साइन इनवर्स होता तो हम इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बदल देते, तो दोनों जब तक सेम नहीं रहेंगे सूत्र तो लगेगा नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 3/5 ऋण कॉस इनवर्स 12/13। अब चूंकि कॉस इनवर्स में लाना है तो साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - x² यही होता है। यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 3/5 का वर्ग माइनस कॉस इनवर्स 12/13 और 1 ऋण 3/5 का वर्ग होता है 4/5 कॉस इनवर्स 4/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 क्योंकि 1 ऋण 3/5 का वर्ग मतलब 1 ऋण 9/25 16/25 4/5 ये ध्यान रखिए बार बार इसका यूज होता है। अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र लगेगा।
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हो जाएगा कॉस इनवर्स चार बटे पांच बटे बारह बटे तेरह प्लस अंडर रूट वन माइनस चार बटे पांच का वर्ग अंडर रूट वन माइनस बारह बटे तेरह का वर्ग। क्या सूत्र लगा है? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इसीलिए मैंने कॉस इनवर्स भी इसको बताया, जिससे कॉस इनवर्स एक्स रीड कॉस इनवर्स वाई लगे और कॉस इनवर्स में आपका जवाब आए। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स बच्चों को 48 बटे 65, ये बेटा एक रीड चार बटे पांच का वर्ग आ जाएगा, ये जो है तीन बटे पांच आ जाएगा रूट में है, एक रीड 16 बटे 25 9 बटे 25 तीन बटे पांच, और ये हो जाएगा पांच बटे तेरह। ध्यान दीजिए कि एक रीड 144 बटे 169 25 बटे 169 पांच बटे तेरह, तो कॉस इनवर्स 48 बटे 65 प्लस 15 बटे 65 तो कॉस इनवर्स हो जाएगा 63 बटे 65 आपका जवाब हो गया। साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 27/11, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 यही बच्चों। अब आंसर किस में आ रहा है? टेन इनवर्स में, तो हम साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में बदल लेंगे। आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बता चुका हूं, क्योंकि लंब बटे कर्ण होगा तो एक्स बटे एक, और वो लंब बटे आधार एक्स बटे आधार कर्ण है, लंब है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब 3/5 बटे अंडर रूट एक रीड 3/5 का वर्ग प्लस टेन इनवर्स 3/5, ये हो जाएगा टेन इनवर्स। ये सूत्र पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए एक दूसरे में, जैसे टेन इनवर्स में क्यों बदले, क्योंकि आंसर देखिए टेन इनवर्स में आ रहा है। अब 3/5 और ये हो जाएगा 4/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5, 5 से 5 कैंसिल, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 3/5, इसका सूत्र आप पढ़े हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, जब एक्स वाई एक से कम हो 3/4 में 3/5 का गुणा करिए तो 9/20 आ जाएगा, जो एक से कम है, तब आपका सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जब एक्स वाई एक से कम होता है तब ये लगता है, आपको पता है एक्स वाई एक से बड़ा है तो दो केस होते हैं इसमें, एक्स जीरो से बड़ा वाई जीरो से बड़ा, तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई, एक्स जीरो से छोटा वाई जीरो से छोटा लेकिन एक्स वाई एक से बड़ा तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। यहाँ देखिए टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे 20 तो 15 और 12 तो ये गुणा एक ऋण 9/20, तो टेन इनवर्स 27/20 बटे 11/20 20 कैंसिल, टेन इनवर्स 27/11। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू 5/2, देखिए कैसे लगाएंगे सवाल, साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, दो में किन्हीं दो में लगा लीजिए, चाहे इन दो में चाहे इन दो में लगा लीजिए, चलिए इन्हीं दो में लगा लेते हैं, साइन इनवर्स 4/5 आपकी मर्जी, इन दोनों में भी लगा सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है 5/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये धीरे धीरे आपको एकदम आदत बन जाएगी जितने क्वेश्चन लगाओगे, जो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, प्लस 16/65 अंडर रूट 1 माइनस 5/13 के स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया साइन इनवर्स 4/5
ना साइन इनवर्स ये हो गया 5/13 और ये हो गया 63/16 बच्चों। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। 1/16/65 का वर्ग है तो आप ऐसे लिख सकते हो 65/16/65 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 65+16 और 65-16 तो ये हो जाएगा 6×5=81 हो जाएगा। ये 15 में 6 गया 9 और 5 में से 4 तो 81 का 9 और 49 का 7/65 63। लेकिन एकदम आपको याद रहना चाहिए, आदत ऐसी होनी चाहिए, इस तरह आप सॉल्व भी करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व करिए। यहाँ 16/65 यहाँ 12/13 5×13 12 जानते ही हो, 5/13 है 25/169 घटेगा 1 में से 144/169 12/13 तो हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा, हर बच्चा ध्यान देगा, 5×15 5×6=31 315/13×65=6=84 ठीक भाई। 13×65 और 63×78=6=84 और यहाँ 12×72 12×12=7=19 845 ध्यान समझिए। अब साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स ये आ जाएगा 5×2=7 9×1=10 3×1=4=5 तीन से कटेगा बच्चों 845 कैसे कटेगा यहाँ 69 से काटेंगे 3 बार जाएगा और इसमें 5 बार जाएगा तो आ गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब एक को बदल दो, साइन इनवर्स 4/5 प्लस इसको लिख दो कॉस इनवर्स √1 − 3/5 का साइन इनवर्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स √1 − x2 साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/3/5 का वर्ग होगा 4/5 तो इसका मान होता है 5/2। चाहे तो यहाँ सूत्र लगाएंगे तो भी आएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला तो भी जो है 5/2 ही आएगा। लेकिन बहुत अच्छा है कि इसको कैंसिल करना बहुत अच्छा है कि इस तरीके से आप कभी भी क्वेश्चन हो तो आराम से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो 169 से दोनों कट जाएंगे 3×9=27 3×6=18 2×20 3×1=3 2×5 और वहाँ जो है 5 बार जाएगा 5×9=45 5×36 4×34 5×5=38 हो गया 10 inverse 1/4 + 10 inverse 2/9 1/2 cos inverse 3/5 तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बच्चों 10 inverse 1/4 + 10 inverse 2/9 एक्स वाई एक से छोटा है, देखिए गुणा करो 1/4 में 2/9 का गुणा करो तो 1/4 × 2/9 तो क्या आएगा 1/18 जो कि 1 से कम ही होता है। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का सूत्र सबको याद है क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस y 1/4 + 2/9 / 1 − xy तो टेन इनवर्स 36 होगा 4×9=36 9×4=8 1/2/36 तो टेन इनवर्स 17/36 नीचे 34/36 36 कैंसिल 1/2 आ गया टेन इनवर्स 1/2। लेकिन ध्यान देना 1/2 कॉस इनवर्स 3/5 तो बच्चों जब कभी भी इस तरीके से चेंज करना हो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स या टेन इनवर्स में 1/2 करके तब आप एक काम करो 1/2 इसके बाद लिखो 2 tan inverse 1/2 और 2 का गुणा 2 का भाग। अब देखिए आपको मैंने 2 tan inverse x का रूपांतरण कराया था तीनों में cos inverse में 1 − x²/1 x² tan inverse का 2 tan inverse x का tan inverse में रूपांतरण tan inverse 2x/1 − x² और sin inverse में भी 2 tan inverse का रूपांतरण सिखाए थे sin inverse 2x/1 + x²
तो यहाँ टू टेन इनवर्स वन बाई टू को किस में चेंज करना, कॉस इनवर्स में। तो सूत्र पहला वाला कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर एक बटे दो का वर्ग बटे एक धन एक बटे दो का वर्ग, एक बटे दो कॉस इनवर्स एक ऋण एक बटे चार, नीचे एक धन एक बटे चार, एक बटे दो कॉस इनवर्स तीन बटे चार, नीचे पांच बटे चार, चार से चार कैंसिल एक बटे दो कॉस इनवर्स तीन बटे पांच, आपका सवाल हो गया। ये ध्यान देना, जब भी वन बाई टू इस तरीके से टेन इनवर्स को चेंज करना हो तो दो का गुणा दो का भाग, तो टू टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में या साइन इनवर्स में जहां जो यहां रहे उसमें हम चेंज कर सकते हैं।